हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत। मैं हूं सनातन मेहता। आज मैं आपको फोटोकॉपियर मशीन का जो लाइट प्रिंट होता है, लाइट प्रिंट होने के क्या और एक कारण है, उस विषय में आपको दिखाएंगे। सीधे सीधे हम फोटोकॉपियर मशीन में ले जाते हैं, तो सबसे पहले आपको बोल दें, लाइट जो प्रिंट होता है, जो दिखाने वाले हैं आज हम, जो प्रिंट अगर आप कंप्यूटर जो प्रिंट करते हैं, कंप्यूटर प्रिंट बेहतर होता है, लेकिन फोटोकॉपियर मशीन से जो प्रिंट होता है बहुत ख़राब होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम आपको सीधा सीधा मशीन में ले जाते हैं, मशीन से वो आपको दिखाना पड़ेगा। मशीन में वो चीज़ करने से जो करना चाहिए वो अगर आप करते हैं तो आपका फोटोकॉपी का जो पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल क्लीन सब आएगा। तो क्लीन पिक्चर क्वालिटी पाने के लिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फोटोकॉपी मशीन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे रीडर लैंप दिखाई देता है। ये जो रीडर लैंप है, ये रीडर लैंप जब फोटोकॉपी कोई भी डॉक्यूमेंट को जब स्कैन करता है तो स्कैन करते वक्त इस लैंप पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहता है जिस प्रॉब्लम के कारण आपका फोटोकॉपी ख़राब दिखाई देता है। तो इस लैंप का आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लैंप को आपको क्लीन करके दिखाते हैं कैसे लैंप को आप क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम खोल के हम पूरा डिटेल्स में आपको दिखा रहे हैं। पहले जो खोलना चाहिए इसको खोल लीजिए, खोल के उसके बाद आपको पार्ट टू पार्ट आपको डिटेल्स में आपको बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो शीशा है, इस शीशा को यहाँ से उठा लीजिए, उठा के इसको अच्छी तरह हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो रीडर लैंप है जो स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को, उसको इधर लाना पड़ेगा। तो इसको लाने के लिए यहाँ पे जो फीता लगा हुआ है जिससे रीडर को स्कैन करने के वक्त, इससे आपको इसको ऐसे घुमाइए, घुमाने से इधर चलाएगा। इधर आने के बाद इसको खोल के आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना टाइम नहीं देंगे, आप थोड़े टाइम में आपको इसको क्लीन करेंगे। तो इसको क्लीन आप कैसे करेंगे वो भी दिखाते हैं। पहले इसको ब्रश से आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो लैम्प है, इस साइड में एक लैम्प दिखाई दे रहा है, इस साइड में एक लैम्प दिखाई दे रहा है। तो इस लैंप को ब्रश से जितना धूल हो इसमें है वो धूल को पहले इसे पोंछना पड़ेगा। धूल को इसे हटा दो, बिल्कुल धीरे धीरे करना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, यह प्रेशर देना ठीक नहीं होगा। यह थोड़ा फू देना बहुत जरूरी है, फू से थोड़ा उड़ाना चाहिए यहाँ पे जो धूल रहता है, वो धूल को फू देकर यहाँ से हटा दीजिए पहले। अगर इसमें कुछ भी अगर धूल है, कहीं पे अगर गंदगी है, कुछ लगे हुए है, तो उसको अच्छी तरह ऐसे पोंछ लो। पोंछने के बाद आप आपको दिखा दे रहे हैं, एक क्लॉथ लीजिए जो कपड़ा है, उसको कोई भी एक कॉर्नर में थोड़ा पानी से भिगा लीजिए। भिगाने के बाद चलिए दिखाते हैं। थोड़ा ड्राई कर लीजिए, पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ड्राई होना चाहिए इस जगह पर। ड्राई होने के बाद पानी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ भीगा कपड़ा होना चाहिए, मतलब गीला होना चाहिए, लेकिन पूरा गीला नहीं, हल्का सा। हल्का होने से इसमें पानी नहीं जाएगा, अगर पानी चला जाता है तो दिक्कतें होगा। तो पानी नहीं जाना चाहिए उसका अंदर। तो इसको दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे इसको पोंछ लीजिए, पकड़ लीजिए,
देखिए इसमें गंदगी आएगा, काला काला गंदगी आएगा। फिर थोड़ा इधर घुमा लीजिए, क्योंकि इस साइड में है लैंप, इस लैंप को भी पोछ लीजिए। ये लैंप अगर क्लीन नहीं रहेगा तो आपको इमेज कैसे क्लीन आएगा? तो ये सब कोई नहीं जानता, ये जानना चाहिए। फिर इस साइड में जब गंदगी हो गया तो दूसरा जगह थोड़ा पानी से भिगा लीजिए। आपका अगर चश्मा आप पहनते हैं, अगर चश्मा में अगर गंदगी लगे हुए होता है तो आप कैसे क्लीन देख पाएंगे? इसीलिए ये अगर क्लीन नहीं देख पाता, ये जो रीडर लैंप है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को जब रीड करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को जब देखता है, अगर सही नहीं देख पाएगा तो सही प्रिंट कैसे देगा? तो सही अगर नहीं देख पाएगा तो इसके लिए ही तो आपको प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है, सही दिखाने के लिए। सही जब देखेगा तब आपका प्रिंट भी सही निकलेगा। तो सही प्रिंट के लिए आपको ये साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अगर आप खोल के निकाल के करेंगे तो और भी अच्छी तरह क्लीन कर पाएंगे। तो इस तरह ऐसे ऐसे अच्छी तरह क्लीन करने के बाद, ये भीगा साइड है, अभी भीगा साइड से पहले उसको क्लीन करो, जो क्लीन करो जैसे शीशा को क्लीन करते हो उसी हिसाब से इसको अच्छी तरह क्लीन करो, बार बार करो, ताकि उसमें अगर कुछ भी अगर गंदगी है जो परमानेंटली बहुत दिन से सूख गया है, उसको ऐसे बार बार घिसने से वो गंदगी निकल जाएगा। तो इसको ऐसे अच्छी तरह, गंदगी यहाँ पे रहता ही है, आप चारों ओर से बंद रहेगा फिर भी घर गंदा होगा, क्यों? उसी तरह इसका अंदर तो गंदा होगा ही ना। जैसे भी हो, घर अगर जितना भी क्लीन रखते हो, अगर 10 दिन घर में कोई भी नहीं रहता फिर भी घर घर को साफ करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप किसी भी तरह कहीं पे रखो, अगर ओपन रहता है तो वो गंदगी होगा ही होगा। और ये तो यूज होता है हमेशा ही चलता है, बहुत बार चलता है। अंदर भी कुछ तो धूल, हवा में कुछ धूल रहता है, वो धूल तो इसमें जाता है, उस धूल जाते जाते एक गंदगी हो जाता है। गंदगी होने के कारण वो, अच्छा ये तो आंखें है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट की स्कैन करता है, रीड करता है, पढ़ता है, मतलब देखता है, आंख है, जो आंखों के सामने अगर लेंस में कोई भी चीज गंदगी रहे तो वो कैसे देखेगा किसी डॉक्यूमेंट को? अगर ठीक देख पाता है तो जरूर आपका प्रिंट भी साफ निकलेगा, साफ दिखेगा तो साफ प्रिंट देगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहता है फोटोकॉपी का, फोटोकॉपी क्लीन पाने के लिए। तो ऐसे करने के बाद आप इसको ड्राई के साइड लीजिए, ड्राई जिस साइड में बहुत एकदम ड्राई है कपड़ा, वो ड्राई ड्राई जो ड्राई कपड़ा है, ड्राई के साइड लेकर इसको क्लीन कीजिए, ताकि इसमें जो थोड़ा पानी था वो पानी उड़ जाए। बिल्कुल ऐसे क्लीन कर लीजिए। फिर दूसरा साइड लीजिए, इस साइड को क्लीन कीजिए। तो ये अगर क्लीन रहता है तो आपका प्रिंट कोई सवाल ही नहीं आता जब आपका प्रिंट खराब क्यों हो रहा है। आपका फोटोकॉपी का प्रिंट खराब है, आपका प्रिंटआउट का प्रिंट ठीक है, मतलब कंप्यूटर से जब प्रिंट देते हैं तब ठीक निकलता है, लेकिन जब आप यहाँ से स्कैन करके जब फोटोकॉपी करते हैं तब क्लीन नहीं होता। तो क्लीन इसी का कारण क्लीन नहीं होता, जो ये सही नहीं देख पाता, ये जो रीडर लैंप है, रीडर लैंप किसी भी डॉक्यूमेंट को सही देख नहीं पाने के कारण आपका पिक्चर क्वालिटी लाइट होता है, खराब होता है, कहीं अच्छा आता है कहीं नहीं आता। तो ये बहुत जरूरी है। और एक बात बोल दे, इस लैंप में ऐसा भी हो जाता है बहुत दिन यूज होने के बाद, इस लैंप पे थोड़ा खराबी भी हो जाता है। तो खराबी हो जाने के कारण लैंप को आपको चेंज करने की बहुत जरूरी है। लैंप चेंज कर लेने से आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्लीन किया, क्लीन करने के बाद आपको, अब ये सब साफ करने के बाद आप इसको फिर से जहाँ रखना वहीं रख दो, नहीं रखते हो तो फिर भी ऑटोमेटिक वो वहीं चला जाएगा। जब मशीन ऑन करोगे, मशीन ऑन जब करोगे तब ऑटोमेटिक ठीक जगह में बैठ जाएगा। तो अब जो शीशा है, शीशा को ऊपर से चला दो, बहुत स्मूथली चलाना पड़ेगा। इसके बाद और भी एक हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे पिक्चर क्वालिटी का और बेहतर पाने के लिए। तो
आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आप डिसीजन मत लगाइए जी ये साफ करने से ही पिक्चर क्वालिटी अच्छा होगा, ये बात नहीं है, और भी कुछ कारण है जो भी हम अगले आने वाले टाइम में और वीडियो देके दिखाएंगे जिसके कारण भी पिक्चर क्वालिटी साफ होगा। तो सारे चीज़ अगर आप सही रखते हैं, सारे चीज़ अगर सही सही काम करते हैं तो पिक्चर क्वालिटी, इमेज का जो क्वालिटी है बेटर देन बेटर होता ही रहेगा, आपको बेटर से बेटर हम करके दिखाएंगे। तो मेरा चैनल में बने रहिए, अगले आने वाले टाइम में हम बहुत ऐसा कुछ और टेक्निकली बहुत कुछ देने वाले हैं जिससे कि आपका बहुत ही खुशी महसूस होगा। तो ये मशीन में दिखा दिया, तो चलिए बातें अभी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ और कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मशीन से हम अभी बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों पिक्चर क्वालिटी बेटर पाने के लिए आँखों से जो देख पाते हैं आप क्लियर, तो क्लियर पिक्चर आएगा। अगर आप आँखों से अगर लाइट सा देखते हैं तो आपका पिक्चर कैसे अच्छा होगा। अगर कैमरा के सामने, लेंस के सामने अगर गंदगी लगा दिया जाए, अगर किसी भी इमेज को खींचा जाए तो वो इमेज का साफ नहीं होगा, क्लीन नहीं आएगा। तो उसी तरह ये जो रीडर लैम्प है जो स्कैन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को जो स्कैन करता है, मतलब रीड करता है, तो रीड अगर सही सही नहीं देख पाएगा तो सही प्रिंट देगा कैसे। तो इसीलिए रीडर लैम्प को कुछ दिनों अंतर वो रीडर लैम्प को क्लीन कर लो, और बहुत कुछ साल जब हो जाता है तब रीडर लैम्प को चेंज करना चाहिए। क्योंकि रीडर लैम्प जैसे ट्यूबलाइट बहुत दिन चलने के कारण ट्यूबलाइट थोड़ा लाइट कम जाता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन यूज़ करने के बाद, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा दिन यूज़ करते हैं, ज़्यादा दिन यूज़ करने के बाद उसका टेम्पर कम जाता है, उसका आँखों का रोशनी, जैसे हम लोग का उम्र जितना बढ़ेगा आँखों का रोशनी कमेगा, उसी तरह इस रीडर लैम्प को भी लॉन्ग टाइम जब यूज़ किया जाता है तो उसका भी आँखों का रोशनी कम जाता है, मतलब उसका रीडिंग का जो कैपेसिटी है, जो रीड करता है, जो स्कैन करता है, स्कैन साफ से नहीं कर पाता, वो जल जाता है, अंदर से खराब हो जाता है, मतलब हल्का सा हो जाता है। इसीलिए रीडर लैम्प को कुछ साल अंदर रीडर लैम्प को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर चेंज करते हैं, नया रीडर लैम्प लगाते हैं तो आपका पिक्चर वो बहुत साफ देखेगा, बहुत क्लीन इमेज आएगा। आप देखिए फोटोकॉपी जब करते हैं तो खराब होता है, और जब उसी प्रिंटर से, उसी मशीन से जब आप प्रिंट देते हैं, मतलब कंप्यूटर से जब प्रिंट देते हैं, प्रिंट बहुत क्लीन आता है, बिल्कुल क्लीन आता है। क्योंकि क्लीन आने के कारण एक ही है, जो वो रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, जो डॉक्यूमेंट है सही डॉक्यूमेंट देखा है, सही डॉक्यूमेंट निकाल दिया, और स्कैन जो रीड करता है, रीड करते वक्त अच्छी तरह नहीं देख पाया, इसीलिए खराब प्रिंट निकाल दिया। तो गलती होता है रीडर लैम्प के भी, और भी एक कारण है जो हम अगले आने वाले वीडियो में दिखाएंगे जिसके लिए आपका पिक्चर क्वालिटी बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर। तो और एक चीज़ है जो आपको हम दिखाएंगे अगले आने वाले वीडियो में, जहाँ पे खास बात होगा जो किसी भी चीज़ को आप नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे मैं पहले बोल दिया तो ड्राम के बारे में, ड्राम सही होगा तो आपका प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतर होगा। फिर फिल्म के बारे में बोल दिया, फिल्म सही होगा तो प्रिंट भी सही होगा। हर किसी का महत्व रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो हम देने के लिए तैयारी करते हैं।